धार जिले के नालछा में छठे वेतनमान की प्रथम और द्वितीय किस्त भुगतान करने के संबंध में विधायक महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि नवीन शिक्षक संवर्ग प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों और शिक्षकों को छठवें वेतनमान की प्रथम किस्त संकुल केंद्र बगड़ी और केंद्र मांडो को मार्च 2018 में भुगतान किया जाना था, जो आज दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया है। जबकि धार जिले के कुक्षी और बदनावर में छठे वेतनमान की द्वितीय किस्त का भुगतान किया जा चुका है। शिक्षक संवर्ग प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक और शिक्षकों को प्रतिमाह वेतन का भुगतान नहीं होता है, जबकि जिले के अन्य विकास खंडों में माह के प्रथम सप्ताह में वेतन भुगतान हो जाता है। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। इनका वेतन जल्दी से जल्दी दिया जाए, क्योंकि अलाटमेंट भी आ चुका है। अभी इनके साथ ऐसी विसंगतियाँ नहीं हो, क्योंकि शिक्षक पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं भी आपके विभाग में रह चुका हूँ, मैं भी टीचर रहा हूँ, तो आपकी क्या समस्या रहती मुझे पूरी तरह से मालूम है। मैं पूरा सहयोग आप लोगों का। विधायक जी, बीते 8 महीने से शिक्षक वर्ग परेशान है नालछा ब्लॉक। हाँ, उनने कहीं इनकी शिकायत है कि कहीं ना कहीं बाबुओं की कमी रही है। वो कागज पत्रक शायद कलेक्टर साहब तक नहीं पहुँचा पाए होंगे, तो मैं ये दिखवाऊंगा, जो साहब से भी बात करूंगा कि ऐसी विसंगतियाँ क्यों हुई। नालछा ब्लॉक में ही ये समस्या ज़्यादा। नालछा ब्लॉक के ही जो भी कर्मचारियों ने लापरवाही करी है, उनके बारे में मैं माननीय कलेक्टर साहब से अवगत कराऊंगा, और यहाँ के सीओ साहब, बीओ साहब और एसी साहब से भी ये चर्चा करके इनका जल्दी से जल्दी वेतन निकलाने के लिए प्रयास। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।